आदित्य सपना देख रहे थे? हाँ। मामा कहती है सुबह के सपने हमेशा सच होते हैं। माँ आई थी सपने में। माँ की मौत के बाद आज पहली बार मैंने माँ को देखा, पर माँ मुझे देखते ही कहने लगी कि तुम यहां क्यों आ गए, तुम्हें बहुत सारे काम खत्म करने, जाओ चले जाओ, चले जाओ वापस, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा हूं। अब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा विद्या, अब तक 18 स्कूलों ने एडमिशन के लिए ना बोला ना, अब रखो, जब तक जिंदगी है मैं कोशिश करता रहूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग विद्या, आज 10 बजे फंक्शन शुरू हो जाएगा, अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया हो तो बता दो, मैं इंतजार करूंगा। जब मैं गा ही नहीं सकती तो वहां आकर क्या फायदा? एक कोशिश तो कर सकती हो। जबरदस्ती मत करो विक्रम। विद्या मुझे मालूम है तुम गा सकती हो, बस अपने आप पर भरोसा रखो, कोशिश करते रहो। 10 बजे? नहीं, मैं नहीं आऊंगी विक्रम। अंतरा स्कूल। अंतरा? अंतरा स्कूल। अंतरा स्कूल जाना है? जाना है। पापा जल्दी चलिए, मैं तो अंतरा जिद करने लगेगी। अंतरा, पापा तुम्हारे एडमिशन के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम भी जल्द ही स्कूल जाओगी। चलो अभिषेक। तुम्हें क्या लगता है रोने चिल्लाने से मन की सारी मुरादें पूरी होती है? स्कूल जाना। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लाती हूँ, चिल्लाती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ, स्कूल स्कूल। चिल्लाकर कुछ नहीं होगा, पापा कोशिश कर रहे हैं ना बेटे, हम सब कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। पर मैं कहाँ कोशिश कर रही हूँ। वेलकम, वैसे मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था, मैं भी तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। विद्या देख क्या रही हो, विद्या जल्दी करो, शो खत्म होने वाला है। सुनो, आदित्य नहीं आया? नहीं, मैंने उसे बताया नहीं। विद्या ये तुमने ठीक नहीं किया, आदित्य तुम्हारा सबसे बड़ा फैन है। खैर आज तुम्हें उसके बिना ही गाना होगा। इस संगीत समारोह को और आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं मिस विद्या वर्मा को। कहाँ जा रही हो?